हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। सो Hyundai Verna 2020 फेसलिफ्ट, जिसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। ऑटो एक्सपो पे भी ये शो नहीं करी गई थी एंड हमें एक्सपेक्टेशन थी कि ये सितंबर अक्टूबर में लॉन्च करी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये लॉन्च होगी 26 मार्च 2020 को, यानी कि कुछ दिनों के बाद ये लॉन्च होने वाली है। सो Hyundai के मार्च में दो बिग लॉन्चेस हैं। एक है 17 मार्च को जो है Hyundai Creta, देन यहाँ पे Hyundai Verna लॉन्च होगी 26 मार्च को एंड उसके बाद एक i20 भी लॉन्च होने वाली, लेकिन वो मार्च में नहीं होगी, वो होगी जून में, जिसकी वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं चैनल पे। तो दोस्तों Verna यहाँ पे 26 मार्च को लॉन्च होने वाली है। क्या प्राइस रखा जाएगा, क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या यहाँ पे चेंजेस करी जा रही है, इंटीरियर कैसा होगा, एक्सटीरियर कैसा होगा, आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हो। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। सो गाइज, ये Verna का आपको यहाँ पे फेसलिफ्ट मिलता है। ये न्यू जनरेशन नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी एज सच मैकेनिकल चेंजेस आपको नहीं मिलने वाले, यानी कि कोई बॉडी में चेंजेस नहीं करे जाएंगे। आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर मिलेगा विद एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड हाई स्ट्रेंथ स्टील, जो कि 63% यहाँ पे यूज़ करा जा रहा है। साथ में जो ओवरऑल डायमेंशन है उसमें भी आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि आपको ऑलमोस्ट सेम डायमेंशन ही मिलने वाली है। इसी के साथ सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर लुक के बारे में। सो गाइज, Hyundai Verna इंडियन मार्केट के अलावा काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल होती है, जैसे कि रशिया, चाइना एक्सेट्रा। एंड Verna का नेम जो इंटरनेशनल मार्केट में है वो है Solaris, एंड यहाँ पे जो चाइना में आपको Verna मिलती है वो Verna इंडिया में लॉन्च नहीं करी जाएगी, बट जो रशिया में आपको Verna मिलती है, जो Solaris के नाम से जानी जाती है, उसको एज अ फेसलिफ्ट Verna यहाँ पे इंडिया में लॉन्च करा जा रहा है। एंड ये जो लॉन्च करा जाएगा उसमें जो रशिया स्पेक Solaris है जो लॉन्च होगी इंडिया में, उसमें कुछ चेंजेस करे जाएंगे टू सूट इंडियन कस्टमर्स प्रेफरेंसेज। सो रशिया स्पेक Solaris यहाँ पे चेंजेस के साथ लॉन्च होगी इंडिया में एज अ फेसलिफ्ट ऑफ Verna। यहाँ पे जो एक्सटीरियर आपको मिलने वाला है उसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस करे जा रहे हैं। एक्सटीरियर में कॉस्मेटिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइज, आप फ्रंट लुक देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो बहुत ही बिग साइज़ की फ्रंट ग्रिल मिलेगी विद क्रोम बॉर्डर्स एंड क्रोम ट्रीटमेंट। देन यहाँ पे हेडलैम्प जो है उनको अपग्रेड करे गए। अब आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं मिलते, अब आपको यहाँ पे फुल एलईडी हेडलैम्प मिलेंगे विद डे टाइम रनिंग लाइट्स। यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प अवेलेबल रहेंगे विद फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन, एंड ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी होंगे और काफ़ी बढ़िया विजिबिलिटी देंगे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मॉडल। साथ में जो फॉग लैम्प हाउसिंग है आप देख सकते हैं वो चेंज कर दी गई है। अब आपको यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप फॉग लैम्प हाउसिंग मिलेगी जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रही है। साथ में यहाँ पे प्रोजेक्टर फॉग लैम्प अवेलेबल रहेंगे पहले की तरह। एंड साइड प्रोफाइल आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइड प्रोफाइल अवेलेबल है। डुअल टोन ORVM अवेलेबल है। जो आप अभी अलॉय व्हील्स देख रहे हैं वो रशिया स्पेक Solaris में आपको मिलते हैं, लेकिन ऐसे अलॉयज यहाँ पे इंडिया में लॉन्च नहीं करे जाएंगे। इंडिया में आपको जो अलॉय व्हील्स मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग होंगे, इससे ज़्यादा बेटर आपको मिलने वाले हैं। एंड गाइज, आप बात करते हैं रियर की, तो रियर आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आप टेल लैम्प देखेंगे तो टेल लैम्प में आपको एक्सीलेंट डिटेलिंग मिलती है। LED टेल लैम्प दिए गए हैं पहले की तरह, लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ा चेंज करा गया है और डिटेलिंग काफ़ी एक्सीलेंट मिलेगी। साथ में जो बम्पर है वो भी डुअल टोन दिया गया है, दोनों एंड पे रिफ्लेक्टर्स, रियर में डिफ्यूज़र लाइक एक स्किड प्लेट भी अवेलेबल है, विच इज़ लुकिंग वेरी स्टनिंग। सो गाइज, जो एक्सटीरियर का अपडेट है वो काफ़ी स्टनिंग एंड स्ट्राइकिंग लुक दे रहा है, नो डाउट इन दैट। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। सो इंटीरियर में यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, आपको ऑलमोस्ट सिमिलर लुकिंग इंटीरियर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इंटीरियर्स के दो कलर ऑप्शन मिलेंगे, एक ब्लैक एंड बेज मिलेगा और एक आपको मिलेगा ऑल ब्लैक इंटीरियर। सो जो ऑल ब्लैक रहेगा वो आपको मिलेगा सिर्फ टर्बो इंजन के साथ, यानी टर्बो इंजन वाले जो वेरियंट्स हैं उसमें आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिल जाएगा, एंड बाकी सारे जो इंजन ऑप्शन के वेरियंट्स हैं उनमें आपको डुअल टोन ब्लैक एंड बेज इंटीरियर्स मिलेंगे। सो इंटीरियर में यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करे गए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जो कि काफ़ी एक प्रीमियम एंड एक लग्जरी फील ऐड कर रहा है कैबिन में। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका साइज इंक्रीज करा गया, अब आपको यहाँ पे 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। एंड गाइज, इंटीरियर में इन सारे चेंजेस के अलावा आपको एक न्यू अपॉल्स्ट्री का डिज़ाइन मिलेगा, लेदर सीट अपॉल्स्ट्री ही अवेलेबल रहेगी विद न्यू डिज़ाइन एंड न्यू पैटर्न। सो दोस्तों, अब बात करते हैं न्यू Verna फेसलिफ्ट के इंजन ऑप्शन के बारे में। सो यहाँ पे जो Kia Seltos में आपको इंजन मिलते हैं वही सेम न्यू Creta में भी दिए जा रहे हैं, जो कि 17 मार्च को लॉन्च होने वाली है। क्योंकि Kia Motors Hyundai की सिस्टर फर्म है, तो आपको सेम इंजन एंड कुछ पार्ट शेयरिंग भी आपको मिल जाती है। तो इसी के साथ यहाँ पे जो न्यू Verna भी आने वाली है उसमें भी आपको सेम इंजन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करा जा रहा है। जो न्यू Creta एंड Seltos में 1.4 लीटर टर्बो GDI इंजन है वो आपको Verna में नहीं मिलेगा। 1.4 की जगह यहाँ पे 1 लीटर टर्बो GDI इंजन दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है। तो यहाँ पे आपको 1 लीटर टर्बो GDI इंजन मिलेगा न्यू Verna में। तो अगर हम Verna के इंजन ऑप्शन की बात करें तो पेट्रोल में दो इंजन अवेलेबल रहेंगे, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन एंड 1 लीटर टर्बो GDI इंजन, एंड डीजल में आपको मिलेगा 1.5 लीटर डीजल इंजन। सो गाइज, फर्स्ट है 1.5 लीटर 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 114 bhp ऑफ पावर एंड 144 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड CVT गियर बॉक्स मिलेगा और इसकी एक्सपेक्टेड माइलेज है 18 kmpl। एंड सेकेंड इंजन है 1 लीटर GDI टर्बो 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन एंड ये प्रोड्यूस करता है 118 bhp ऑफ पावर एंड 172 Nm ऑफ टॉर्क। ये अवेलेबल रहेगा 7-स्पीड DCT गियर बॉक्स के साथ और इसकी एक्सपेक्टेड माइलेज है 18.3 kmpl। एंड थर्ड यहाँ पे आता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन और ये प्रोड्यूस करता है 114 bhp ऑफ पावर। सो गाइस यहाँ पे आपको ये सारे इंजन ऑप्शंस एंड ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल जाते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से एग्जिस्टिंग फीचर थे जो कि कंटिन्यू भी होंगे, फिर हम बात करेंगे न्यू फीचर्स ऐड ऑन के बारे में। तो सबसे पहले जो फीचर्स आपको पहले भी मिलते थे एंड अभी भी मिलेंगे वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा कूल ग्लब बॉक्स, रियर AC वेंट, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट एंड रियर USB चार्जर, क्रोम डोर हैंडल्स, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, इलेक्ट्रिक सनरूफ, स्मार्ट ट्रंक, वायरलेस चार्जिंग, रियर मैनुअल कर्टेन, वेंटिलेटेड सीट्स एंड टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील। एंड गाइस यहाँ पे जो न्यू फीचर्स ऐड ऑन करे जाएंगे वो है ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फुल LED हेडलैम्प, ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी जो है कनेक्टेड कार फीचर्स, अपनी स्मार्टफोन की ऐप से आप व्हीकल को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, प्री हीट कर सकते हैं, प्री कूल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ व्हीकल स्टेटस एंड व्हीकल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड इसी के साथ यहाँ पे अवेलेबल है ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर। ऑल्सो यहाँ पे पहले आपको 7 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता था, अब यहाँ पे ऑफर करा जा रहा है 8 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 4 स्पीकर्स, 2 फ्रंट रिटर्स एंड बाकी सारे फीचर्स आपको सेम मिलते हैं, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, प्री इंस्टॉल नेविगेशन, USB, ब्लूटूथ, रेडियो एंड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। तो ये सारे यहाँ पे फीचर्स ऐड ऑन करे जाएंगे गाइस। एंड ज़्यादा कुछ फीचर्स यहाँ पे ऐड ऑन करे नहीं जा रहे क्योंकि ऑलरेडी व्हीकल आपको लोडेड मिलती है। यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स, रियर कर्टेन, रियर AC वेंट्स, ऑलमोस्ट सारी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अब ब्लू लिंक भी ऐड कर दिया गया है, तो फीचर्स के मामले में आपको वर्ना में कोई भी कमी नहीं मिलती। अब बात करते हैं दोस्तों सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो जो आपको पहले सेफ्टी फीचर्स मिलते थे और अभी भी जो कंटिन्यू होंगे वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड गाइस यहाँ पे जो न्यू सेफ्टी फीचर्स ऐड ऑन होने वाले हैं वो है ऑटोमेटिक वाइपर्स, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल लॉन्च असिस्ट एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। एंड गाइस अब बात करते हैं फाइनल एस्पेक्ट के बारे में जो है प्राइस एंड लॉन्च डेट। लॉन्च डेट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो है 26 मार्च 2020। एंड अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे जो करंट प्राइस आपको मिलता है, यानी कि जो पहले वाली वर्ना है उसका जो प्राइस अभी आपको मिलता है वो है 8,18,000 से लेके 14,08,000 जो है एक शोरूम प्राइस। एंड जो आपको न्यू प्राइस मिलेगा वो है 8,50,000 से लेके 14 लाख। सो गाइज यहाँ पे जो वर्ना फेसलिफ्ट का टॉप एंड मॉडल होगा, यानी कि टॉप स्पेक ट्रिम रहेंगे, उनका यहाँ पे प्राइस कुछ भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करा जाएगा, करा भी जाएगा तो बहुत ही मिनिमम रहेगा। और जो यहाँ पे न्यू वर्ना फेसलिफ्ट के जो बेस मॉडल होंगे, यानी कि बेस मॉडल और सेकंड मॉडल, वहाँ पे जो प्राइस इंक्रीज़ करा जाएगा वो होगा बिटवीन 20,000 to 25,000। तो यहाँ पे ये सब प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है, प्राइस बहुत ही मिनिमम इंक्रीज़ करा जा रहा है, फीचर्स यहाँ पे अबंडेंस अमाउंट में अवेलेबल रहेंगे। सो दोस्तों ये थी Hyundai Verna फेसलिफ्ट की कंप्लीट डिटेल्स। ये बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है, काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन इस व्हीकल से रहेगी। एंड आपका क्या इसके बारे में थॉट्स एंड फीडबैक है ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।